Good morning to all students. Today we are going to start estimate sum. Estimating sum by rounding off to nearest tens. Students देखिए जो हमारे पास जो डिजिट दी गई हैं, जो फिगर दी गई है, हमें क्या करना है? सबसे पहले हम उनको राउंडिंग ऑफ करेंगे. क्वेश्चन में क्या पूछा है? राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस, इसलिए हम इनको राउंडिंग ऑफ करेंगे. राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस 100, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000, ये सब आपने ऑलरेडी किया हुआ है. आपको याद होगा, आपको मैम ने बताया था कि ट्रेन 1 एंड ट्रेन 2 होती हैं. ट्रेन 1 में 0, 1, 2, 3, 4 ये वाले 5 डिजिट होते हैं एंड ट्रेन 2 में 5, 6, 7, 8, 9 ये वाले 5 डिजिट्स होते हैं. याद होगा ना आप सबको? तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इन फिगर्स को राउंडिंग ऑफ करना है. राइट हेयर फर्स्ट डिजिट 25,129, इसको क्या करेंगे? राउंडिंग ऑफ. राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस हमें राउंडिंग ऑफ करना है. तो देखिए टेंस की प्लेस, सबसे पहले प्लेस वैल्यू चेक करेंगे. 9 की प्लेस वैल्यू 1s, 2 की टेंस. तो हमें टेंस की प्लेस वैल्यू को राउंड ऑफ करना है 2. लेकिन हमें उसके नेक्स्ट डिजिट को चेक करना होगा. 2 के बाद क्या आ रहा है? 9. यस, 9. 9 किस में आता है? ट्रेन 1 में या ट्रेन 2 में? यस, ट्रेन 2 में 5, 6, 7, 8, 9. जब ट्रेन 2 में से कोई डिजिट आता है तो क्या होता है? ट्रेन टेंस की प्लेस का जो डिजिट है उसका क्या बन जाएगा? नेक्स्ट डिजिट 2 का क्या बन जाएगा? 3. यस, राइट हियर 2, 5, 1, 3, 0 जो आगे के डिजिट हैं वो सब सेम रहेंगे. यस, इसी तरह से राइट हियर नेक्स्ट डिजिट 34,293. अब इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे हम बच्चे. टेंस की प्लेस पर क्या है? 9. बट हमें उसका नेक्स्ट डिजिट देखना है, वो क्या है? 3. यस, 3 किस में आता है? ट्रेन 1 में. यस, 3 ट्रेन 1 में आता है. तो जो टेंस की प्लेस पर जो डिजिट है वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज. तो लास्ट में क्या बन जाएगी? 0. एंड फ्रंट के डिजिट क्या रहेंगे? सेम 34,290. अब हम क्या करेंगे? इन दोनों फिगर्स को ऐड करेंगे एंड थर्ड लाइन में राइट करेंगे एस्टीमेट सम. इज दैट क्लियर? यस स्टूडेंट्स, यू विल डू योर सेल्फ एडिशन सम. नेक्स्ट देखें एस्टिमेटिंग सम बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100. अब नियरेस्ट 100 करना है उसी तरह से सेम. राइट हेयर फर्स्ट डिजिट 53,648. अब इसको हम क्या करेंगे? राउंडिंग ऑफ. राउंडिंग ऑफ. राउंडिंग ऑफ टू. यस बच्चे देखिए, अब हमें सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू, 8 की प्लेस वैल्यू 1s, 4 की 10s एंड 6 की 100. अब हमें 100 की प्लेस को करना है ना राउंडिंग ऑफ. तो 100 की प्लेस पर क्या है? 6. बट हमें उसका नेक्स्ट डिजिट चेक करना है. नेक्स्ट डिजिट क्या है? 4. तो 4 किस में आता है? ट्रेन 1 में. यस, तो जब ट्रेन 1 में से कोई डिजिट आएगा तो 100 की प्लेस का डिजिट नो चेंज. क्या राइट करेंगे हम? 53,600. आगे के डिजिट सेम रहेंगे और पीछे क्या बन जाएंगी? 0. राइट हियर नेक्स्ट डिजिट 29,371. यस, अब 100 की प्लेस पर क्या डिजिट है? 3. बट हमें उसका नेक्स्ट डिजिट चेक करना है 7. 7 कौन सी ट्रेन में आता है? ट्रेन 2. यस, तो ट्रेन 2 में से जब कोई डिजिट आएगा तो 100 की प्लेस का डिजिट क्या बन जाएगा उसका? नेक्स्ट. 3 का क्या बन जाएगा? 4. सेम, इसको भी राउंडिंग ऑफ करेंगे. एंड राइट हियर 29 सेम रहेगा. 3 का हम 4 बना देंगे, पीछे क्या बन जाएंगी? 0. अब हम इसको क्या करेंगे? ऐड. एंड थर्ड लाइन में राइट करेंगे एस्टीमेट सम. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखिए एस्टिमेटिंग सम बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000, एस्टिमेटिंग सम बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10,000. ये आप
खुद से करेंगे अपने आप प्रैक्टिस. इज दैट क्लियर? थैंक यू.